चैनल स्वाति'स वेडिंग लाइफस्टाइल, दिस इज स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये गरबा मेकअप लुक लेकर आई हूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाली हैं और जो गरबा डांस है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हर जगह, और उसकी शुरुआत हो जाती है फ्रेंड्स नवदुर्गों में। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये वाला मेकअप लुक लेकर आई हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक मेरा कैसा लगा। और फ्रेंड्स, ये भी जो मैंने छल्ले बनाए हैं, ये भी मैंने एक पिन की हेल्प से बनाए हैं, जो हेयर पिन होती हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, जब हम डांस करते हैं तो बालों को खुला रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल हमारे मैसी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये जो स्टाइल है ये भी दिखाया है बनाकर, और आप मांग टीका जो है बीच में किस तरह से सेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने पेयर की है अपनी पर्ल की ज्वेलरी, पर्ल के ये झुमके और पर्ल का ये बोदका। तो फ्रेंड्स, गरबा में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लहंगा, चुनरी, ओढ़नी और टीका, तो इसके बिना तो हमारा जो गेटअप है वो इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए आज मैंने अपना ये मेकअप लुक इस तरह से क्रिएट किया, जो थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए भी। ये मैंने फर्स्ट टाइम अपना मेकअप लुक क्रिएट किया है इस तरह का। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कीप ऑन वॉचिंग। फ्रेंड्स, इसमें आप ये देखेंगे कि जो मेरा लहंगा है वो डिफरेंट है, और मेरा जो ब्लाउज़ है रेडीमेड ब्लाउज़ है ये भी मैंने अलग से ख़रीदा है, और जो मेरा ये दुपट्टा है ये भी मेरा अलग एक सूट के साथ का है। तो आप देखेंगे कि मैंने इन तीनों को कितनी अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहना। और जो आप मेरी ज्वेलरी देख रहे हैं ये भी फ्रेंड्स पर्ल की है, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है सारा ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि आप भी किस तरह से ये पहन सकते हैं, किस तरह से वियर कर सकते हैं, और किस तरह से आप किसी भी चीज़ को पेयर अप कर सकते हैं एक साथ। ट्रेडिशनली पल्लू रखना है सिर पर, तो आप इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने जूड़ा इसीलिए बनाया है जिससे कि अगर हमें सेट करना हो अपना पल्लू तो हम इसको यहाँ पर सेट कर सकें बहुत ही इजीली। यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं इस तरह से। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, देखते हैं कि ये लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया। स्टार्ट करते हैं हम लैक्मे का पीच मॉइस्चराइज़र से। इसको मैंने अपने पूरे फेस पर मसाज कर ली है 2 मिनट। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर मालियों का जो प्राइमर है वो लिया है। फ्रेंड्स, जब हम गरबा का के लिए तैयार होते हैं और हमें डांस करना होता है, तो हमें थोड़ा सा मेकअप अपना ड्यूरेबल चाहिए कि हमारा मेकअप टिका रहे, पसीनों से भी ख़राब ना हो। तो ये इसको स्किप कभी ना करें, इसको ज़रूर लगाएं प्राइमर को। और 2 मिनट के बाद मैं इस पर लगाऊंगी अपना कंसीलर। फ्रेंड्स, आज मैं अपना जो मेकअप है आँखों से स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आई से मेरा आज मेकअप स्टार्ट होगा, और उसके बाद मैं पूरा फेस मेकअप करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज ये भी मैंने पहली बार किया है आप लोग के साथ ही, ये मैं ट्राई कर रही हूँ, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक किस तरह का लगा। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर अपनी आईज़ के ऊपर और आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया है अच्छी तरीके से, जिससे कि जो आईज़ की पिगमेंटेशन है वो छिप जाएगी। और उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है।
फ्रेंड्स आप किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर सकते हैं या फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए जो मेरी आँख हैं मेकअप के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन शेड और ये मैं एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। फ्रेंड्स अपनी आईब्रोज को हमेशा ब्राउन या थोड़ा सा ग्रे शेड होगा उससे ही फिल करनी चाहिए। जेट ब्लैक से कभी भी अपनी आईब्रोज को फिल ना करें, उससे आप शिनचैन बन सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज शेप में आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर पाउडर लगाऊंगी अपनी आँखों पर जिससे कि जो मेरा कंसीलर है वो सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पर ऑरेंज शेड अपनी क्रीज लाइन पर बनाऊंगी। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से कलर को यहाँ पर क्रीज लाइन पर प्लेस किया है और आउटर वी बनाते हुए मैं इसको अच्छी तरीके से फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी इस तरह से। फ्रेंड्स बहुत ही हल्के हाथों से अपना आई मेकअप करें क्योंकि फ्रेंड्स ब्लेंडिंग में टाइम लगता है, तो बहुत ही लाइट हैंडेड यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है जिससे मैं अपनी आई लिड पर प्लेस कर लूँगी और फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको जो मेरा ऑरेंज शेड है उससे मिक्स कर लूँगी, उसमें ब्लेंड कर लूँगी। और फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है शिमरी शेड में। आप देख सकते हैं अभी मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने शिमरी शेड लिया है ग्रीन कलर और इसको मैंने अपनी आई लिड पर प्लेस कर दिया। इसी तरीके से मैंने अपनी दोनों आँखों पर मेकअप कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं बाहर की तरफ यहाँ पर आउटर वी की तरफ मैं ब्राउन शेड लूँगी डार्क जिससे कि जो मेरे आँखों की डेप्थ है वो नज़र आए। ये देखिए फ्रेंड्स और अब मैंने यहाँ पर फ्लैट ब्रश पर थोड़ा सा ग्रीन कलर लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पर लिया है जिससे कि जो मेरी आँखें हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर ये आईलाइनर पेन यूज़ किया है। फ्रेंड्स ये हम मेकअप कर रहे हैं गरबा के लिए, गरबा में हमें डांस करना होता है, तो फ्रेंड्स हम सारे जो प्रोडक्ट हैं वो वाटरप्रूफ ही यूज़ करेंगे क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा गर्म ही है। जब डांस करते हैं तो पसीना बहुत आता है जिससे कि जो हमारा मेकअप है वो स्पॉइल ना हो, इसलिए हम सारे प्रोडक्ट वाटरप्रूफ ही यूज़ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैंने आई लाइनर से अपना विंग लाइनर बना लिया है। फ्रेंड्स जो आँखों का मेकअप है इस पर हमने फोकस किया है। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं फेक आई लैशेज यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मस्कारे ने मुझे बहुत ही अच्छे जो मेरे आई लैशेज हैं उसको अच्छा वॉल्यूम दिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसीलिए फेक आई लैशेज यूज़ नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं इसके मैंने एक से दो कोट अपनी आँखों पर यूज़ किए हैं और मेरी जो लैशेज हैं बिल्कुल कर्ल हो गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ हो गया मेरा आईज़ मेकअप कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर अपना फेस मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर NYV की कंसीलर स्टिक ली है। फ्रेंड्स ये भी वाटरप्रूफ है और सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पर वाटरप्रूफ ही लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जब हम गरबा करेंगे डांस करेंगे तो हमारे जो पसीने हैं ऑब्वियसली आएंगे ही और हमारा जो मेकअप है उसका भी बहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हम जब वाटरप्रूफ मेकअप करेंगे तो हमारा जो मेकअप है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा और हमें कोई भी फिक्र नहीं होगी कि हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, हम बेफिक्र होकर अपना डांस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना जो आँखों का मेकअप है वो कंप्लीट कर लिया है क्योंकि जो मेरा ब्लाउज़ है उसमें मेरे रेड और ग्रीन शेड आ रहे हैं तो मैंने बिल्कुल उसी के मैचिंग का अपना ये शेड लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। फ्रेंड्स कोई भी आप फाउंडेशन लगाएं, लिक्विड क्रीम या कोई भी स्टिक लगाएं, फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको ब्लेंड करना। अगर हम अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड नहीं करते हैं तो हमारा जो मेकअप है पूरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना, उसमें कुछ भी अच्छा लुक आएगा और पैची पैची वो नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पहले कंसीलर स्टिक लगाई है और उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लिया है। फ्रेंड्स जब भी फाउंडेशन लगाएं तो उसको नीचे के डायरेक्शन में लगाएं। फ्रेंड्स मेकअप करते समय अपने ईयर को और नेक को कभी भी ना भूलें।
यहाँ पर भी आप अच्छी तरीके से मेकअप अप्लाई करें। अब मैं यहाँ पर फेस पाउडर ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने शिमरी फेस पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, और इसमें छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल हैं शिमर के, तो जो चेहरे पर ग्लो है वो ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और मेरा जो मेकअप है वो तो वाटरप्रूफ हो ही जाएगा और मेरे फेस पर एक ग्लो आ जाएगा, आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पर विजिबल ना हो। तो एक कोट में फेस पाउडर का भी अपने पूरे फेस पर, ईयर पर और नेक पर लगा लूँगी। फ्रेंड्स मेरा जो लहंगा है उसमें मिरर वर्क हो रहा है, तो आप कोई भी अगर लहंगे के साथ अगर आप कोई कुर्ता पहनती हैं प्लेन, तो उस पर आप इस तरह की जैकेट है मिरर वर्क की वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि गरबा में जो मिरर वर्क होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, लहंगे में हो, आपके दुपट्टे में हो, या आपके जो अगर आपने जैकेट पहनी है उसमें हो, बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने आपको दिखाया है। और फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है और उसको भी मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस को शेप देने के लिए। फ्रेंड्स आप मेकअप के साथ अपने लुक को, अपने गेटअप को और अच्छा कर सकते हैं एक इस तरह का जो पर्स होते हैं वो लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम डांस करते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता हमारा मोबाइल कहाँ है क्या है, तो आप इस तरह का पर्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको आप साइड में हैंग कर सकते हैं या अपने आप नेक पर हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्री होकर डांस का मज़ा ले सकते हैं। तो इन्हें टिप्स को फॉलो करिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा और जो आपका लुक है वो भी बहुत एलिगेंट आएगा। अब मैं यहाँ पर ब्लशर और हाइलाइटर के लिए मैंने कोरल शेड लिया है और वो मैं अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी, और फ्रेंड्स इसी में हाइलाइटर भी है तो दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो ओवर मेकअप है वो नहीं करना चाहिए, लाइट मेकअप ही रहे वो ज़्यादा बेटर है। अब मैंने यहाँ पर रेड लिप पेंसिल ली है, उससे मैंने अपनी लिप्स को शेप दी है, और उसके बाद जो मेरा रेड लिप कलर है उससे मैं अपने लिप्स को फिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ABS का ये लिप कलर लिया है, इससे मैं अपने लिप्स को फिल कर दूंगी। फ्रेंड्स ये मैट कलर है और वाटरप्रूफ तो है ही फ्रेंड्स, ये कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे तो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन लगा हुआ है, आप यहाँ पर कोई भी गोल्डन शिमर लेकर आप अपने होठों के ये बीच में ये प्लेस कर सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल ग्लैमरस लुक आएगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, अब आती है ज्वेलरी की बारी। तो मैंने यहाँ पर ज्वेलरी के लिए अपने ये जो मेरी चांद वाली बोलेंगे या झुमकी बोलेंगे या झाली कुछ भी बोलेंगे वो मैंने पहन लिए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो टीका है उसको सेट करूँगी बोथ का। फ्रेंड्स ये डांस में बहुत ही अच्छा लगता है और इसको आप फ्रेंड्स कहीं भी शादी में अगर जाते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप उसको किस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैंने छोटी सी कोनी बना ली है पीछे छोटे से बालों में क्राउन एरिया में, और वहाँ पर मैं टिक टेक पेन की मदद से उसको सिक्योर कर दूँगी, और मैंने सेंटर पार्टीशन किया है यहाँ पर वोद का रखने के बाद में मैं जो इस साइड के बाल हैं उनको साइड में लेकर पीछे पिन से सिक्योर कर दूँगी। और ये मेरा जो हेयर एक्सेसरीज में क्लचर था ये मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल लुक है। और फ्रेंड्स चूड़ियाँ मैंने ग्रीन और रेड की पहनी है कॉम्बिनेशन की, और फ्रेंड्स ये जो छल्ला है ये मैंने, देखिए वाओ कितना अच्छा मेरा जो छल्ला है वो बना है इस टिक टेक पिन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर बिल्कुल गुजराती ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो फ्रेंड्स आप अपने चिन एरिया पर तीन जो बिंदी होती हैं ब्लैक कलर की वो भी लगा सकती हैं, और अपने जो आईज़ के आउटर कॉर्नर हैं वहाँ पर भी तीन जो ब्लैक कलर की बिंदी हैं वो लगा सकती हैं। लहंगे में मैंने इसको लुक दिया है साड़ी का प्लस लहंगे का, और आप देख सकते हैं, और जो भी लुक आपको सबसे अच्छा लगा हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि साड़ी के जो पल्लू है उसके साथ लुक अच्छा लगा है या विदाउट पल्लू आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा। और फ्रेंड्स जो मेरा मेकअप है वो भी मैंने अपना मिक्स एंड मैच करके आज की जो ड्रेस है उसके साथ किया है। मेरा जो ब्लाउज़ है उसमें मेरा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, दुपट्टा मेरा रेड है, और जो मेरा लहंगा है वो मेरा रेड एंड येलो या ऑरेंजिश कह सकते हैं आप वो है। तो मैंने आई मेकअप भी आप देख सकते हैं उसी तरह किया है,
और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा।